नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम साइंस के सेकंड टॉपिक भोजन के कार्य और भोज्य समूह को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर राइट डाउन है, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बाकी जो चीज़ें समझने वाली हैं वो मैं आपको समझाते चलूँगी साथ साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। भोजन, भोजन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ पोषक तत्व तो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे तीनों जो हैं ये तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसमें से प्रोटीन का मुख्य कार्य तो निर्माणात्मक है, बट वो कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। तो 1838 में एक डच रासायनिक शास्त्री मुंडर थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की और इसका नाम प्रोटीन रखा। प्रोटीन नाम रखने का अर्थ है कि उन्होंने प्रोटीन नाम इसलिए रखा, प्रोटीन का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी प्रोटीन का भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए आवश्यक है। वसा, कार्बोहाइड्रेट जब नहीं होता है उसमें क्या करता है, ये आपको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ये आपके मांसपेशियों के निर्माण, रक्त का थक्का जमाने में, हार्मोन के निर्माण में, एंजाइम के निर्माण में, इन सभी कार्यों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और शरीर के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की नहीं बल्कि खनिज लवण और विटामिन की भी आवश्यकता होती है। तो शरीर में लगभग 50 से भी अधिक रासायनिक तत्व तो उपस्थित होते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसमें से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से आपसे यही पूछ सकता है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन का मुख्य कार्य आपका निर्माणात्मक कार्य है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। कौन कौन से कार्य हैं इसके और कितने रासायनिक तत्व की उपस्थिति होती है। प्रोटीन के कार्य आपको पता चल गए, और ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य पता है। अब वसा के बाद वसा का कार्य भी ऊर्जा प्रदान करना होता है, ये ऊर्जा का एक शांत स्रोत है। और त्वचा के नीचे जो वसी ऊतक होते हैं ना उसके रूप में ये जमा रहता है। जब आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे अगर आप व्रत हो तो यही टूट कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तंत्र का निर्माण भी वसा के द्वारा होता है। कोशिका में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। अब बात आती है कि कितने से कितना ऊर्जा मिलता है। तो अगर वसा का 1 ग्राम आप ग्रहण करते हो तो उससे 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ये आपके आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है कि ये जो आपका 9.1 है इतनी ऊर्जा आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आप जब खाते हो तो उसमें भी क्रियाएं होती हैं, कुछ रासायनिक तत्व मतलब यूज नहीं होते हैं। तो इन सभी क्रियाओं में क्या होता है, कुछ ऊर्जा का लॉस होता है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी इतना फिलहाल जानिए कि जो 1 ग्राम वसा होता है उसे 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। खनिज लवण, खनिज लवण आपका अकार्बनिक रासायनिक तत्व है। इसका क्या कार्य है, इसका निर्माणात्मक और नियामक दोनों कार्य है। अब ये ट्रेस तत्व क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रेस तत्व किसे कहते हैं। तो खनिज लवण कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे ट्रेस तत्व कहते हैं। शरीर में कितना खनिज होता है, शरीर की जो कुल वजन है उसका 4% भाग खनिज लवणों का होता है। भोजन, भोज्य तत्व तो आपको पता चल गया कौन कौन से है, कितनी ऊर्जा मिलती है ये पता चल गया। अब उसको किस अनुपात में लेना चाहिए, तो जो अभी हमारे खाने का डाइट होता है, जितना भी हम खाते हैं, जितना भी हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक है, उसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट आपके उस भोजन में 60 से 70% होना चाहिए, वसा आपका 20 से 30% होना चाहिए और प्रोटीन आपका 10 से 15% होना चाहिए। ये सभी जो अनुपात है वो आपका जितना डाइट होता है उसमें है। नेक्स्ट आते हैं ये कार्बोहाइड्रेट आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आपको 4.9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और वसा से 9.1 किलो कैलोरी,
कुछ भोजन के कार्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे भोजन का कार्य क्या क्या है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया। तो शारीरिक कार्य में कौन सा आते हैं, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, भोजन शरीर की वृद्धि में विकास करता है, भोजन शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है, और भोजन शारीरिक या संचालन नियंत्रण और नियमन करता है। सामाजिक कार्य में भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है, भोजन दोस्ती एवं अतिथि का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक कार्य में भोजन के द्वारा संवेगों को प्रकट करना, सुरक्षा की भावना के रूप में, और भोजन को का प्रयोग बल के रूप में भी करते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है, बस इसमें आपको ये कि किस उम्र में किस पोषक तत्व तो की आवश्यकता कितनी होती, कैसी होती है, मतलब अधिक करना चाहिए कि कम खाना चाहिए। तो ये वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में आपको निर्माणात्मक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा वाले कम होते हैं। निर्माणात्मक भोज्य तत्व कौन से होते हैं, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। फिर नेक्स्ट भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण, भोज्य पदार्थ का जो वर्गीकरण है इन 5 बेस पे किया गया है। पहला है पोषक तत्व तो के आधार पे, जो जो पोषक तत्व तो होते हैं उनके आधार पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, खनिज लवण, इनके आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। कार्य के आधार पे जैसे शारीरिक निर्माणात्मक कार्य हो गया, ऊर्जा प्रदान करने वाला हो गया, और रक्षात्मक हो गया। नश्वरता के आधार पे कुछ भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ देर में खराब हो जाते हैं, तो नश्वर नहीं होने वाले, अर्धनश्वर वाले और नश्वर भोज्य पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट उद्गम के आधार पे, उद्गम में आपके एक वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले, दूसरा जंतु जगत से। रासायनिक प्रकृति के आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे आपको कार्बनिक और अकार्बनिक। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ उत्पादक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। उत्पादक भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो उत्पादक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। रफेस क्या करता है, रफेस से जो मोटापन, खाना आप रफेस खाते हो उसका पौष्टिक तत्व तो कुछ नहीं है, बट वो क्या करता है, मोटापे को कम करता है, मोटापा नहीं होने देता है, और रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है उसको भी कम करता है। खनिज लवण, खनिज लवण आपके शारीरिक वृद्धि, निर्माण एवं मरम्मत, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन, रोगों से रक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने आदि कार्यों के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और इससे पहले भी बता चुका गया है कि शरीर में जो कुल वजन होता है उसका 4% भाग खनिज लवण का होता है। खनिज लवण एक अकार्बनिक रासायनिक तत्व है, और जो खनिज लवण है उसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं, जैसे रक्त अल्पता हो गया, अस्थि विकृति हो गया, अस्थि मृदुता, घेंघा, रक्त का देर से थक्का बनना आदि। अब नेक्स्ट आते हैं जल, जल के बारे में पढ़ते हैं। जो मनुष्य है भोजन वगैरह के बिना तो एक आध दिन, कुछ सप्ताह थोड़ा बहुत जिंदा रह सकता है, परंतु जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जल जो है शरीर के वजन का 66% भाग बनाता है। अब इसमें तंतुओं में जल की मात्रा 70 से 80% होती है, जो 66% है उसका 70 से 80% तंतु में होता है, अस्थि में 20% होता है, रक्त में 80 से 90% होता है, और मूत्र में 96 से 97% तक होता है। ये जल जो है विभिन्न शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं में मूलक के रूप में कार्य करता है, और पानी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो उसमें घुल कर कोशिकाओं तक तो पहुंचते हैं, जहां उनका शोषण एवं उपापचय होता है। भोजन में अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण एवं परिवहन के लिए जल की आवश्यकता होती है। शरीर में सभी निर्माणात्मक कार्यों के लिए जल सक्रिय योगदान देता है, यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका की रस का निर्माण भी पानी से ही होता है। इसलिए जल की हमारे शरीर में बहुत बहुत ही आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग दिन में 6 से 8 गिलास जल का सेवन उपयुक्त रहता है।
अब नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो कई महीनों वर्षों तक संग्रहित करके रख सकते हैं, वो नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे अनाजों में नमी की मात्रा 10% तक होनी चाहिए, और जो नश्वर नहीं होने वाले में जैसे कि अचार हो गए, जैम, जेली, शरबत आदि, इनको क्या करते हैं, परिरक्षित करके रखते हैं। परिरक्षण के लिए क्या, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। और जो घरेलू हैं जैसे कि नमक, तेल, चीनी, हल्दी, मिर्च, इन सब का भी चीज़ों को परिरक्षित करने के लिए उपयोग होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि रासायनिक परिरक्षक कौन से हैं, तो पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, और जो नेचुरली जो मतलब घरेलू हैं वो आपके हो गए नमक, तेल, चीनी, हल्दी और मिर्च। और वर्गीकरण इनके में एक नश्वर हो गया, दूसरा है अर्धनश्वर। अर्धनश्वर जो होता है ये 1 सप्ताह से लेकर कुछ महीने तक रहता है। नश्वर क्या है, नश्वर जो है कुछ घंटे, जैसे दूध हो गए आपके कुछ घंटे में ही खराब हो जाते हैं। उद्गम के स्थान पे, उद्गम के आधार पे कुछ भोज्य पदार्थ उद्गम के आधार पे डिवाइड किए गए हैं, तो उनको जंतु जगत से जो प्राप्त होते हैं और वनस्पति जगत से, इन दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे पाए जाते हैं। इन्हें कार्बनिक क्यों कहा जाता है, इनको जब जलाया जाता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। इन भोज्य पदार्थों में विभिन्न विद्यमान जो भी रासायनिक ऊर्जा को शरीर के अंग यांत्रिक ऊर्जा में बदल कर उपयोग करते हैं। अकार्बनिक में आपका खनिज लवण है। इन क्या है कि इन्हें राख भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनको जलाया जाता है तो जो कुछ बचता है वो अकार्बनिक तत्व ही होता है। इन अकार्बनिक तत्वों में शारीरिक निर्माण, सुरक्षा, नियंत्रण और नियमन की क्षमता, अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये शरीर को रोगों से बचाते हैं, जैसे कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा आदि, ये सभी आपके खनिज लवण है। भोज्य समूह, आईसीएमआर ने भोज्य समूह को, या आईसीएमआर ने क्लासिफाई किया फूड ग्रुप को 5 पार्ट में। पहला है आपका सबसे बॉटम पे सीरियल्स एंड ग्रेन्स प्रोडक्ट, जैसे अनाज होते हैं, दाल होते हैं, अनाज को उन्होंने नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में। फिर उसके बाद आपके दाल है, उसके बाद थर्ड पे मिल्क, मीट प्रोडक्ट है, और उसके बाद फ्रूट्स हैं, उसके बाद फैट एंड शुगर है। तो ये जिस वे में ऊपर से नीचे आपको दिए गए हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सबसे, आपके खाना में सबसे कम मात्रा में होना चाहिए, उससे ज़्यादा, ऐसे करके उन्होंने 5 भागों में भोज्य पदार्थों को डिवाइड किया है।